हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस का जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वैल्यूज़ है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, देन बिजनेस एथिक्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 और हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, लीगली हम लोग कैसे किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर। अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना होगा, कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो हमें पूरा करना होगा। अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते हैं या प्रोसीजर्स को हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, तो किसी भी कंपनी का जो फॉर्मेशन होगा वो कानून की नज़र में वैलिड नहीं माना जाएगा। लीगल तभी माना जाएगा जब उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरा किया होगा, है ना। कानून ने जो हमारा एक लॉ बना है कंपनी को फॉर्म करने का, उस लॉ को अगर हम लोग फुलफिल करते हैं या फॉलो करते हैं, तभी जा कर के किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन संभव है। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी को अगर स्टार्ट करता है और उसको कहीं उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है या अकॉर्डिंग टू लॉ उसने लीगल फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, सो डैट हम कह सकते हैं कि उसकी जो कंपनी है वो लीगली या लीगल कंपनी नहीं है। सो इट इन्वॉल्व द डिस्टिंक्ट स्टेजेस विच आर। अब इसमें कुछ स्टेजेस हैं जो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें स्टार्ट या फॉलोअप किया जाता है। फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या है। ओके, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग पहला स्टेप लेते हैं या पहला स्टेज हम लोग फॉलो करते हैं वो कहलाता है प्रमोशन। ओके, इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन में क्या होता है कि बिजनेस जो सोसाइटी में हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें से हम किसी एक अपॉर्चुनिटी को के थ्रू काम करते हैं या एक आइडिया हम लोग कंसीव करते हैं और उसी आइडिया के अकॉर्डिंग हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव। ओके, सोचता तो हर कोई है कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन केवल सोचना ही फ्रूटफुल नहीं होगा जब तक हम उसके लिए इनिशिएट ना करें। ओके, जब तक हम उसके लिए कोई पहला स्टेप नहीं लेते हैं। वो व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे बिजनेस करना है और उसके माइंड में जो आइडिया है, ओके, या सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है या इनिशिएट नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं केवल वो सोच रहा है, उसने अभी तक स्टेप नहीं लिया। ओके, तो यहाँ पर बोलता है कि जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको कंसीव करना और टेकिंग एन इनिशिएटिव, इनिशिएट करना टू फॉर्म अ कंपनी, तब जाकर के कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। केवल कंपनी को फॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं या इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी फॉर्म नहीं होगा। सो डैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन। अगर इनिशिएटिव इनिशिएट करेगा तभी तो उस कंपनी को प्रैक्टिकल शेप दे पाएगा, कंपनी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएगा। कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं उसको कैसे इन अ पॉजिटिव वे हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटिंग लिखा है इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है,
एक्सप्लॉयटिंग का यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है वो यही है कि अगर जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हम उनको इन अ बेटर वे सही तरीके से कैसे यूजफुल बना सकते हैं या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हम उसको ढाल सकते हैं। ओके, एक्सप्लॉयटिंग का यहाँ पर ये मतलब नहीं किसी को धोखा दे देना या फ्रॉड कर देना, गलत कर देना। यहाँ पर ये है कि कैसे हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तब जा कर के हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चलो आइडिया कंसीव करते हैं, इनिशिएट करते हैं। अब बात होता है कि इनिशिएट करेगा कौन, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे जो आइडिया कंसीव करेगा, जो इनिशिएट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। ओके, अ प्रमोटर इज द वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोटर वो व्यक्ति है जो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए इनिशिएट करता है, रिस्क लेता है। ओके, विथ रिफरेंस टू गिवन प्रोजेक्ट, उसके माइंड में एक आइडिया है, उसी आइडिया के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा, एक्शन लेगा। जो प्रोजेक्ट उसके माइंड में है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट करेगा, एंड सेट इन मोशन एंड टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स। वो स्टेप जो ज़रूरी है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ओके, या उस स्टेप के बिना हम अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। पर्पस को पूरा करने के लिए हमें वो स्टेप्स फॉलोअप करने होंगे, तब जा कर के हम पर्पस तक या ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। ही कंसीव अपॉर्चुनिटीज एंड असेंबल रिसोर्सेज। प्रमोटर वो व्यक्ति है जो आइडिया कंसीव करता है और कंसीव करने के बाद वो जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल होगा, इसी सोसाइटी में अवेलेबल होगा, तो जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सारे रिसोर्सेज को क्या करेगा, असेंबल करना स्टार्ट करेगा। ओके, अगर मुझे बिजनेस रन करना है तो बिजनेस केवल सोचने से तो रन नहीं होगा, मुझे उन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी या वो सारा रिसोर्सेज मैं अपने पास अवेलेबल करवाऊंगा जिनके मदद से मैं अपने बिजनेस को रन करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्टाफ चाहिए होगा, अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर, मशीनरी, रिसोर्स, रॉ मटेरियल, ये सारा जो हमारा क्या इंक्लूड होता है, रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है। तो प्रमोटर क्या करता है, केवल आइडिया कंसीव नहीं करता है, वो असेंबल करता है उन रिसोर्सेज को जिसकी मदद से हम अपने आइडिया को रियलिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रियलिटी में हम उस चीज़ को कर सकते हैं। टू ट्रांसलेट अ पॉसिबिलिटी इनटू रियलिटी, पॉसिबिलिटी को चेंज किस में करना है, रियलिटी में करना है। ओके, हकीकत में करना है, केवल सोच ले रहे हैं कि हमें ये काम करना है लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा कंपनी कैसे फॉर्म होगा। कंपनी फॉर्म करने के लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रमोटर है वो रिस्क भी लेता है। अगर प्रमोटर रिस्क नहीं लेगा क्या कंपनी फॉर्म हो पाएगा, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमारा प्रमोटर रिस्क भी लेता है क्योंकि वही व्यक्ति है जो पहला स्टेप लेता है, उसके माइंड में जो आइडिया है उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वो करता है, बहुत सारे रिसोर्सेस को वो असेंबल करता है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। अब कितने टाइप्स के प्रमोटर्स होंगे, तो जनरली हम बात करेंगे फोर कैटेगरीज में। प्रमोटर में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। नंबर वन इज प्रोफेशनल प्रमोटर्स। ओके, प्रमोटर्स हु हैड ओवर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रोफेशनल प्रमोटर्स हम उनको बोलेंगे जिनके पास कंपनी का मैनेजमेंट होगा। ओके, वो कंपनी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना, तो कंपनी को वो कंट्रोल करेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट, दैट इज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड आफ्टर दिस प्रमोशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल प्रमोटर्स। और इसके बाद वो क्या कहलाएंगे,
तो प्रोफेशनल प्रमोटर्स में वो लोग इंक्लूड होंगे. ओके, दीज प्रमोटर्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी. वैसे व्यक्ति जो कंपनी को कंट्रोल करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड होंगे, दैट इज मैनेजमेंट में इंक्लूड होंगे. ओके, कंपनी की हर एक एक्टिविटी पे वो लोग नज़र रखेंगे, हर एक काम को वो लोग सिस्टमैटिक वे में पूरा करेंगे. सो दैट हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे प्रोफेशनल प्रमोटर्स. नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर टू, ओकेजनल प्रमोटर्स. ओके, एक तो हम लोगों ने देखा कि एक प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट डैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो लोग इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकेजनल प्रमोटर्स के बारे में. द प्रमोटर्स प्रमोट कंपनी ओकेजनली. वो प्रमोटर्स जो कंपनी को प्रमोट करेंगे लेकिन ओकेजनली करेंगे. ओके, वो परमानेंटली हम नहीं बोल सकते हैं कि लंबे समय तक या जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगा वो तब तक कंपनी के पार्ट रहेंगे. ऑलमोस्ट वंस, एक बार वो कर सकते हैं, यानी जिस टाइम कंपनी को स्टार्ट हम कर रहे हैं उस समय हम इनका हेल्प ले सकते हैं. ओके, ओकेजनल प्रमोटर्स आकर के कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक के बीच में जाकर के वो लोग को अवेयर करवा सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के सर्विसेज के बारे में. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, जब उनका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल ऑक्यूपेशन. तो वो लोग कहाँ वापस चले जाएंगे, अपने ओरिजिनल ऑक्यूपेशंस में वो लोग वापस चले जाएंगे. ओके, दे डू नॉट परफॉर्म प्रमोशन एक्टिविटीज़ रेगुलरली. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ओकेजनल प्रमोटर्स होते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म प्रमोशनल एक्टिविटी रेगुलरली, है ना. रेगुलरली वो लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं. एक बार हमने बोला कि एक से दो बार वो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंटरप्रेन्योर प्रमोशंस. द प्रमोटर्स हु कंसीव द आइडिया. वो प्रमोटर जिसने आइडिया क्या किया, कंसीव किया, जिसके पास आइडिया है ऑफ द बिजनेस करने का, परफॉर्म प्रमोशनल एक्टिविटीज. वो क्या करेगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा. अब जिसके पास आइडिया है कि मुझे ये काम करना है, तो उससे अच्छे तरीके से और कौन इस काम को परफॉर्म कर सकता है. एंड फाइनली बिकम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. और वो किसका पार्ट बन जाता है, मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है. वो व्यक्ति जिसके माइंड में वो आइडिया कंसीव है या जिसने आइडिया कंसीव किया है, वो व्यक्ति जो इनिशिएट कर रहा है, एक्शन ले रहा है, रिस्क ले रहा है और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी वो परफॉर्म कर रहा है, और वो मैनेजमेंट का पार्ट है और नोन एज इंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स. और उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर फोर, फाइनेंशियल प्रमोटर्स. प्रमोशन एक्टिविटीज आर समटाइम परफॉर्म बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये जो एक्टिविटी है ये पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड है. अब एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारे पैसे का जरूरत होता है ना. बहुत सारा पैसा अगर है तो उसको किस डायरेक्शन में वो खर्च करेगा या किस ओर वो पैसे को खर्च करेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके पास मान लेते हैं कि 10 करोड़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10 करोड़ रुपीज़ है, तो वो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है. उसके पास अगर पैसा है तो उसको वो किस सेक्टर को प्रायोरिटी देगा, किस सेक्टर को वो सेकंड स्टेज में रखेगा, कितना पैसा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगाएगा, कितना पैसा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगाएगा, कितना पैसा वो कहाँ खर्च करेगा, ये सारा कुछ जो है वो फाइनेंशियल प्रमोटर्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे. अब अगर पैसे से रिलेटेड बात करना है तो वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकता है, जो रेगुलरली इस चीज़ को हैंडल करता है.
वो कौन करेगा? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। हम देखते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका जो कोर काम क्या है, वो जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं या जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो बेसिकली जो बेस्ड होता है वो होता है पैसे पर, है ना। डिसीज़न अगर वो ले रहे हैं तो पैसे से रिलेटेड लेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं कुछ और करना है, तो जो भी करना है वो फंड से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आइडिया कंसीव हो रहा है, अब उस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट करना है, रियलिटी में लाना है, तो रियलिटी में लाने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक रास्ता बताता है कि अगर आप इस रास्ते को फॉलो अप करते जाओगे और यहाँ अगर इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न भी मैक्सिमम मिलेगा, प्रॉफिट भी आपको अच्छा होगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। अगर हम उनको एक कंपनी का पार्ट बना रहे हैं या उनसे हम लोग सजेशंस या एडवाइस ले रहे हैं और वो हमारे फाइनेंशियल प्रमोटर्स में इंक्लूड हैं, तो बेसिकली क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? एक्सपीरियंस है, है ना। पैसे को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना, इससे रिलेटेड उनके पास क्या है? एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल अफेयर्स। दीज आर नोन एज फाइनेंशियल प्रमोटर्स। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्रमोटर्स बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोफेशनल प्रमोटर्स को, ओकेजनली प्रमोटर्स को या ओकेजनल प्रमोटर्स, इंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स एंड लास्ट इज फाइनेंशियल प्रमोटर्स। नाउ अब हम बात करेंगे रोल या फंक्शन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का रोल क्या है या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से या अपने स्किल के अकॉर्डिंग, तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और किस वे में करना है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ अ प्रमोटर इज़ टू आइडेंटिफाई। प्रमोटर का जो पहला काम है या फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है? आइडेंटिफाई करना। ओके, आइडेंटिफाई अ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना। द अपॉर्चुनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और मेकिंग सम न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू अ डिफरेंट चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है या वो कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी नए प्रोडक्ट को बनाना है या सर्विस को प्रोवाइड करना है। बिजनेस तो यहाँ भी हो रहा है, अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, और हम किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी हम बिजनेस ही कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रमोटर है उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। प्रोडक्शन करेगा किसी नए प्रोडक्ट का, किसी नए प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करेगा या वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, और मेकिंग सेम प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू अ डिफरेंट चैनल। ओके, और एनी अदर अपॉर्चुनिटीज हैविंग एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रमोटर्स है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमारा प्रमोटर किस तरीके से यूज़ करता है या उसको यूटिलाइज करता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रिसोर्सेज भी सोसाइटी में अवेलेबल हैं, अब उन रिसोर्सेज के साथ वो कितना जस्टिफाई करता है उनके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर उसने जितना रिसोर्सेस परचेस किया क्या उसका मैक्सिमम तरीके से उसने यूज़ किया, क्या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाया,
केवल किसी प्रोडक्ट को बना देना और बना करके मार्केट में लॉन्च कर देना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सही समय पर मार्केट में अवेलेबल करना, कम से कम वेस्टेज के साथ उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाना, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। ये सारी एक्टिविटी जो होती है वो किसी प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से कस्टमर तक रीच करवा सकती है। तो इन सारी एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करेगा? हमारा प्रमोटर्स परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, फिजिबिलिटी स्टडीज। इट मे नॉट फिजिबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ऑल आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इनटू रियल प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रमोटर है वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को के साथ गो थ्रू होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को वो एनालाइज करता है। यहाँ पर उसको देखना पड़ेगा कि जितना भी उसने जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, क्या उनको वो रियल प्रोजेक्ट में ढाल सकता है, क्या वो उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। हम भी अपने लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हम भी गो थ्रू होते हैं, हर इंसान हर चीज़ों से गो थ्रू होता है। क्या वो हर एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है, क्या वो हर काम को इफ़ेक्टिव तरीके से कर लेता है, अच्छे तरीके से कर लेता है, क्या वो जो चीज़ सोचता है क्या उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट कर लेता है? नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, तब जा कर के हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, फॉर एग्जाम्पल 95-96% मार्क्स स्कोर करना है, अब केवल सोचने से तो 95-96% मार्क्स स्कोर नहीं होगा। स्कोर कब होगा? जब वो उसके लिए मेहनत करेगा। स्कोर कब कर पाएगा? जब वो चीज़ों को एक्टिविटी जो स्कोर करने में उसको हेल्प नहीं करेगा और डिस्टर्ब करेगा उसको वो छोड़ना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उन सारी एक्टिविटीज़ को जो उसको अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करने देंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी काम करना होगा उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसको एनालाइज करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो जो हमारा प्रमोटर है वो हर आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकता रियल प्रोजेक्ट में। अगर वो बोले कि मैं हर चीज़ को कन्वर्ट कर सकता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। वो तभी कर पाएगा जब उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होगा, वो तभी कर पाएगा जब उसका के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ओके, अब इसके अंदर 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल। पहले हम बात करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की। इट इज़ एन आइडिया। ये क्या है? आइडिया है, मे बी गुड बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल। आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हमने सोचा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन जब रियलिटी की बात करते हैं तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। कब? टू एग्जीक्यूट। टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। इट मे बी सो बिकॉज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इज नॉट ईजली अवेलेबल। प्रमोटर ने सोचा कि मुझे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके मैन्युफैक्चर करना है, तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट तभी मैन्युफैक्चर होगा जब उसके अकॉर्डिंग उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा जिसकी मदद से वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब वो मशीनरी हमारे पास नहीं है या वो रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, जो अभी अवेलेबल नहीं है। आइडिया इज़ वेरी गुड बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। तो ये भी जज करना पड़ेगा हमारे प्रमोटर को कि जो वो सोच रहा है क्या वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो फिर इस आइडिया को स्किप कर देना पड़ेगा। फिर वो उतना ही प्रोडक्ट का क्वालिटी रखेगा जितना उसके पास या जिस
स्टेज का उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या जो जो मशीनरी उसके पास अवेलेबल है, या जो रॉ मटेरियल उसके पास अवेलेबल है। तो ये होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर फंड्स। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तब भी फंड्स की आवश्यकता है, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तब भी फंड्स की आवश्यकता है। तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स फंड्स। हम जितना भी एक्टिविटी परफॉर्म कर ले बिजनेस का, या बिजनेस को स्टार्ट करने का बिजनेस की एक्टिविटी उसमें होगी, उन सब को करने के लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होगी। ओके, किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा? तो फंड्स का होगा। द प्रमोटर हैव टू एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारा जो प्रमोटर है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। एस्टिमेट किस चीज का? जितना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, खर्च करेगा। अगर मान लेते हैं कि आइडिया बहुत बड़ा है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके पास पैसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास मनी नहीं है, क्या वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएगा? क्या वो उस अपॉर्चुनिटी को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस की हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी होना बहुत ज़रूरी है। देन प्रमोटर हैव टू एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायरमेंट। अब प्रमोटर ने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा बिजनेस करना है, वेरी गुड, बिजनेस कीजिए, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए जो उतना रिक्वायरमेंट है उसका, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जा करके वो प्रमोटर उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा और उसको वो बेटर तरीके से परफॉर्म तभी कर पाएगा, वरना वो पैसे को भी वेस्ट कर देगा और समय भी उसका वेस्ट हो जाएगा। इस पॉइंट में हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा प्रमोटर है उसने बहुत अच्छा सोचा है कि उसने उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी लाएगा, लेकिन क्या वो उतने पैसे को अरेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो इस आइडिया को फिर उसे गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका नीड है वो तो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो नीड को पूरा करने के लिए उसके पास सफिशियंट अमाउंट होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो जितना भी चीज़ कर ले वो बेटर तरीके से नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर लेता। ओके, तो रिक्वायरमेंट को पूरा करना यहाँ पर है। पॉइंट नंबर सी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। ओके, ये बोलता है प्रोजेक्ट इज टेक्निकली वाइबल। प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली वाइबल है एंड फाइनेंशियली फिजिबल, बट द चांसेस ऑफ इट बीइंग प्रॉफिटेबल इज वेरी लिटिल। हमने देखा कि फाइनेंशियल तरीके से अगर हम प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल है ना। अगर हम बात करते हैं टेक्निकली भी हम लोग काम पूरा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हैं, उतना पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, ओके, अगर हम सारा काम कर रहे हैं तो मेन मकसद क्या है हमारा? प्रॉफिट कमाने का। बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को रन करवाना, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, एक ऑब्जेक्टिव और गोल अपना रखना, और उसके पीछे जो मेन कारण होता है ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। अब हमने अपना पैसा भी लगाया जितना रिक्वायरमेंट था, फंड को भी क्या किया, इन्वेस्ट किया, टेक्निकली भी चीज़ पॉसिबल है, हम लोग रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हैं, टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सो डैट कि एक बिजनेस को हम लोगों ने वो चीज़ दे दिया जो रिक्वायरमेंट था, लेकिन हम लोगों ने जितना पैसा लगाया, जितना रॉ मटेरियल, जितना टेक्नोलॉजी लगाया, क्या उसका जो रिटर्न हमें मिलेगा प्रॉफिट वो उतना हो पाएगा?
इन्वेस्टमेंट अगर मैक्सिमम है तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम होना चाहिए। जितना इन्वेस्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, रिटर्न भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रिटर्न कम हो रहा है, तो फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर देना ही चाहिए, फिर उस आइडिया को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। क्योंकि वो आइडिया जो हम जिसको रियलिटी में चेंज करने वाले हैं या कन्वर्ट करने वाले हैं, उससे हमें प्रॉफिट जो होगा वो वेरी लिटिल होगा, यानी बहुत कम होगा। तो बहुत कम अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हम तो उतना कमा ही नहीं रहे हैं। तो एटलीस्ट उतना हमें कमाना है जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें हम लोगों ने तीन पॉइंट डिस्कस किया फिजिबिलिटी में, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ओके, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।